आज हम आपको एक ऐसे आइलैंड की सैर कराने वाले हैं जहां सांपों की हुकूमत चलती है। इंसान वहां जाने के नाम से ही कांपने लगते हैं। वैसे तो सांप एक बहुत ही जहरीले जानवर होते हैं। इनका सामना अगर किसी जगह हो जाए तो हमारी रूह कांपने लगती है। और ऐसा ही ये आइलैंड है जहाँ सिर्फ सांपों का राज चलता है। चलिए तो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हिंदी फैक्ट आरएन में। दुनिया भर में सांपों की कई जहरीली और खतरनाक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें बेहद ही खतरनाक माना जाता है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में सांपों की करीब 3,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 600 प्रजातियों को सबसे जहरीला माना जाता है। ब्राजील के जाने माने शहर साओ पोला से 144 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक आइलैंड है। इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे जहरीले सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। मसलन वाइपर प्रजाति के सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर काफी हादसे हो चुके हैं। उसके बाद से ब्राजील की सरकार ने यहाँ ट्रैवल्स पर बैन लगा दिया है। इस खतरनाक आइलैंड पर जाने के लिए ब्राजील सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ सिर्फ कुछ खास लोगों को जाने की परमिशन मिलती है, जैसे कि कोई रिसर्च करता और वैज्ञानिकों को, उसके अलावा किसी को नहीं, क्योंकि ये आइलैंड सांपों से भरा पड़ा है। यहाँ के सांप इतने खतरनाक होते हैं, अगर किसी इंसान के काट लें तो उस जगह का मांस भी गल जाता है और इंसान के बचने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। इस आइलैंड पर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर माना जाता है। क्या आप ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि कोई सिरफिराही इस आइलैंड पर जाने की सोच सकता है। अब बात करते हैं हमारे देश भारत में पाए जाने वाले सांप किंग कोबरा की, जिसे हमारे देश भारत में नाग देवता के नाम से भी जाना जाता है। किंग कोबरा जहरीले सांपों में सबसे लंबे सांप होते हैं। आमतौर पर इनकी लंबाई 12 से 15 फीट तक होती है। इनका जहर बहुत खतरनाक होता है। अगर ये किसी इंसान को डस लें तो उसके बचने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि समय पर इलाज मिलने से इंसान की जान बचाई जा सकती है। एक सर्वे के अनुसार भारत में हर साल लगभग 42,000 लोग सांप के डसने से अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 से 25 हजार लोग ही हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो ये आंकड़े काफी कम हो सकते हैं। हमारे देश भारत में सांप के बारे में लोगों को काफी कम जानकारी है। समय पर इलाज ना मिलने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। कोई भी सांप बिना छेड़े नहीं काटता है। अधिकतर घटनाएं सांप पर गलती से पैर रखने की वजह से होती हैं। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन से लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों और थोड़ी सी हलचल को महसूस कर लेते हैं। इस तकनीक से सांप किसी भी बड़ी आपदा का आसानी से पता लगा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सांप के कान नहीं होते। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी फैक्ट आरएन को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।